Welcome back students. In this video, we are going to learn a new topic from your EVS 1 textbook and the topic is My District, My State. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ट्री का पिक्चर दिया गया है और एक एक्टिविटी दी गई है, तो आपको क्या करना है? स्टडी अ बिग ट्री इन योर लोकेलिटी यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो आपके लोकेलिटी में स्टूडेंट्स इस तरीके का बिग ट्री होगा, तो उसे आपको ऑब्जर्व करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि पार्ट्स ऑफ द ट्री कौन से होती हैं, जैसे कि लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, रूट्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड स्टेम है. तो आपने जो भी ऑब्जर्व किया है ट्री, तो उसके डिफरेंट पार्ट्स को आपको लिखना होगा वहां पर. सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज पार्ट्स आर सीन ऑन अ ट्री मोस्ट ऑफ द टाइम. तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो ट्री यहां पर देखा है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, तो ऐसे कौन से पार्ट्स हैं जो हमें हमेशा दिखते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, जो बड़े ट्रीज होते हैं, तो उनके फ्लावर्स हमें हमेशा दिखते हैं क्या? नहीं, उनका एक पर्टिकुलर सीज़न होता है, उनका एक पर्टिकुलर टाइम होता है. ओके, उसी टाइम में हमें उनके फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स दिखते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल कोई मैंगो ट्री है, तो अगर आप मैंगो ट्रीज के लीव्स देखोगे, तो हर टाइम हमें सेम कलर नहीं दिखते हैं. जब नए लीव्स आना स्टार्ट होते हैं, तो उनका कलर अलग होता है, और फिर इसके बाद उसके फ्लावर्स देखोगे या फिर मैंगो जो होते हैं, तो ये हमें समर सीज़न में ही दिखते हैं. सारे पार्ट्स हमें यहाँ दिख रहे हैं क्या हमेशा के लिए? नहीं. तो इसी तरीके से आप जो भी ट्री को ऑब्जर्व करोगे, तो उसके पार्ट्स जो आपको हमेशा दिखते हैं, जैसे कि लीव्स हो सकते हैं, ब्रांचेस, तो ये आप वहाँ पर लिख सकते हो. थर्ड क्वेश्चन इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ ट्री एंड व्हाट इज़ इट अटैच्ड टू. तो स्टूडेंट्स, कौन सा स्मॉलेस्ट पार्ट है उस ट्री का, ये आपको लिखना है. तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो ट्रीज होते हैं, तो उनके फ्रूट्स जो हैं, तो वो स्मॉल होते हैं और उनके लीव्स बड़े होते हैं. ओके, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स आपका स्मॉलेस्ट पार्ट फ्रूट आ सकता है. या फिर कई बार ऐसे होता है कि फ्रूट्स बड़े होते हैं बट लीव्स छोटे होते हैं. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, आप जो भी ट्री को ऑब्जर्व करोगे, तो उस ट्री के स्मॉलेस्ट पार्ट को आपको लिखना है. और जो भी स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो वो किसको अटैच है? ब्रांच को है या फिर स्टेम को है? कहाँ पर अटैच है? तो स्टूडेंट्स, ये आपको लिखना होगा. फोर्थ क्वेश्चन इज अ ट्री हैज़ मैनी स्मॉल ब्रांचेस, व्हाट आर दे अटैच टू. तो स्टूडेंट्स, स्मॉल ब्रांचेस होते हैं ट्रीज में, तो ये ब्रांचेस कहाँ पर अटैच हैं, तो ये भी आपको लिखना है. फिफ्थ क्वेश्चन इज हाउ मैनी बिग ब्रांचेस डज द ट्रंक ऑफ द ट्री हैव. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो ट्री का ट्रंक होता है, तो उसमें कितनी ब्रांचेस हैं, तो ये भी आपको ऑब्जर्व करके वहाँ पर लिखना होगा. टू बी कम्प्लीट अ ट्री मस्ट हैव सेवरल कॉम्पोनेंट्स सच एज लीव्स, स्मॉल ब्रांचेस, बिग ब्रांचेस, अ ट्रंक एक्सेट्रा. इन द सेम वे अवर स्टेट टू इज मेड अप ऑफ मैनी सेटलमेंट्स, विलेजेस, टाउन्स, तालुकास एंड डिस्ट्रिक्ट. यू विल अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय लुकिंग एट द डायग्राम ऑन द फेसिंग पेज. स्टूडेंट्स, एक जो ट्री होता है, तो इसके कई सारे स्मॉल पार्ट्स होते हैं. ओके, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लीव्स हैं, स्मॉल ब्रांचेस हैं, बड़े ब्रांचेस होते हैं और उसका ट्रंक होता है. अगर हम हमारे स्टेट की बात करते हैं, तो ये स्टेट कैसे बनता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रीज कैसे बनता है? स्मॉल वहाँ पर लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, ट्रंक है, तो उसी तरीके से हमारा जो स्टेट बनता है, इसमें क्या क्या आएगा? हाउस, बिल्डिंग, ये सेटलमेंट में आएगा. ओके, उसके बाद विलेजेस बनते हैं, ऐसे कई सारे सेटलमेंट्स बनकर फिर विलेज बनता है, सिटी बनती है. उसके बाद स्टूडेंट्स, कई सारे विलेज और सिटी मिलकर तालुका बनता है, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट बनता है. देखिए स्टूडेंट्स, कैसे स्मॉल कॉम्पोनेंट्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं. डू यू नो मैन बिगेन टू फार्म द लैंड, हिज फील्ड्स वर नियर वाटर, ही सेटल नियर हिज फार्म्स एंड बिगेन टू लाइव देयर. इन दिस वे
hamlets and settlements were formed. These hamlets and settlements grew into villages which then developed into cities. तो देखिए students, पहले के ज़माने में लोगों ने फार्मिंग करना स्टार्ट किया था, ओके, खेती करना स्टार्ट किया था. तो ये लोग कहाँ पर करते थे? जहाँ पर वाटर सोर्सेस उन्हें अवेलेबल होते थे और उनके साइड में जहाँ पर ज़मीन होती थी तो वहाँ पर ही वो लोग खेती करते थे. और फिर खेती करने के साथ साथ उन लोगों ने वहाँ पर अपने हाउस भी बना लिए थे और वहाँ पर स्टूडेंट्स वो रहने लगे और इसीलिए फिर सेटलमेंट्स बनने लगे. तो फिर ऐसे कई सारे सेटलमेंट्स बनकर विलेजेस बने और यही विलेज फिर आगे बड़े होकर उनमें डेवलपमेंट हो के, प्रोग्रेस हो के फिर सिटीज़ भी बनती गई, ओके. एक फ्रेंड्स विथ मैप्स कलर द टाउन तालुका डिस्ट्रिक्ट गिवन बिलो इन डिफरेंट कलर्स. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक बड़ा सा मैप दिया गया है, ओके, और ये है हमारे महाराष्ट्र का मैप. तो इसमें स्टूडेंट्स हमें दिया है यहाँ पर गढ़चिरौली. देखो स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है, तो इस गढ़चिरौली को दिया है हमें यहाँ पर ऊपर सेपरेटली हमें दिया है गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट. गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में स्टूडेंट्स आएगा तालुका अरमोरी, जो यहाँ पर पॉइंट आउट किया है, ओके, दिख रहा है ना आपको. तो ये है पूरा गढ़चिरौली जिसमें हमें छोटा सा कॉम्पोनेंट्स दिया है अरमोरी तालुका. और फिर इसके बाद आपको दिया है अरमोरी तालुका जो मैप है ये पूरा दिया हुआ है. उसमें दिया है स्टूडेंट्स वैरगढ़ विलेज, ये आपको दिख रहा है. ये हमें तालुका का जो ये पूरा मैप दिया है, तो स्टूडेंट्स इसमें एक छोटा विलेज हमें दिया है वैरगढ़ विलेज. तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से विलेज, उसके बाद तालुका, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर वैरगढ़ विलेज, विलेज कहाँ पर है, इस तालुका में है. ऐसे कई सारे तालुका मिलकर स्टूडेंट्स फिर क्या बन रहा है, ये पूरा गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट बन रहा है. और ऐसे कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, तो इन डिस्ट्रिक्ट से बना है हमारा स्टेट. ऐसे ही कई सारे स्टेट मिलकर ही बनते हैं हमारी कंट्री. लैंग्वेज एंड डायलैक्ट्स. महाराष्ट्र स्टेट वॉज फॉर्म्ड ऑन 1 May 1960. स्टेट्स इन इंडिया हैव बीन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. मराठी इज़ द स्टेट लैंग्वेज ऑफ महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र देर इज सिमिलैरिटी एज वेल एज डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस. द प्रोनाउंसिएशन ऑफ मराठी वेरियस इन डिफरेंट रीजन्स. वी सी अ वराइटी इन द डायलैक्ट्स दैट आर स्पोकन. वी शुड वेलकम दिस डाइवर्सिटी. तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा महाराष्ट्र जो है, तो महाराष्ट्र डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 1 May, ओके. तो ये कब फॉर्म्ड हुआ था हमारा महाराष्ट्र? 1 May 1960. तो इसीलिए हम लोग महाराष्ट्र डे सेलिब्रेट करते हैं. और जो स्टेट फॉर्म्ड हुए हैं तो हर एक की लैंग्वेज अलग अलग होती है. और महाराष्ट्र की स्टेट लैंग्वेज कौन सी है? मराठी है. तो कई सारे स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज हैं तो वो सिमिलर भी हैं और वहाँ पर हमें डाइवर्सिटी भी दिखती है. तो देखिए स्टूडेंट्स, मराठी एक ही लैंग्वेज है. हर एक रीजन में जो बोलने का तरीका होता है तो वो अलग अलग होता है. तो देखिए रीजन्स दिए गए हैं और उनके सम डायलैक्ट्स दिए गए हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स, कोंकण रीजन है, तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? कोंकणी या फिर मालवनी बोली जाती है. अब स्टूडेंट्स, सेकंड कौन सा रीजन है? विदर्भा. तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? वरहादी. थर्ड रीजन स्टूडेंट्स है खानदेश. तो वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? अहिरानी और खानदेशी. गोरमती, कोलामी, कोरकू एक्सेट्रा आर द ट्रेडिशनल डायलैक्ट्स ऑफ आदिवासी ट्राइब्स इन महाराष्ट्र. तो स्टूडेंट्स, जो आदिवासी ट्राइब्स हैं हमारे महाराष्ट्र में, उनकी कुछ बोलियां यहां पर दी गई हैं, जैसे कि गोरमती, कोलामी, कोरकू एक्सेट्रा. कैन यू टेल? वी फाइंड वराइटी इन द फेस्टिवल्स ऑफ अवर स्टेट अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ट्रेडिशंस. एवरी वन सेलिब्रेट्स दिवाली, दशहरा, क्रिसमस, ईद एक्सेट्रा. इन द कोंकण रीजन फेस्टिवल सच एज नारली पूर्णिमा, होली एंड द गणेश फेस्टिवल आर मेनली सेलिब्रेटेड. इन द प्लेट्यू रीजन पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल सच एज दशहरा, दिवाली एंड बेल पोला ऑन अ बिग स्केल. वी सेलिब्रेट अवर नेशनल फेस्टिवल 15 August एंड
26 जनवरी ऑल ओवर द कंट्री विथ ग्रेट एंथोनियाज्म। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि स्टेट के अकॉर्डिंग हम लोग जो फेस्टिवल्स होते हैं तो उन्हें सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम हमारे स्टेट की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सब लोग दिवाली, दशहरा, ईद एंड क्रिसमस ये सब मनाते हैं। अगर कोंकण रीजन की बात करते हैं तो उनके इम्पॉर्टेंट मेन फेस्टिवल कौन से होते हैं, नाराली पूर्णिमा, होली और गणेश फेस्टिवल। देखिए स्टूडेंट्स, बैल पोला जो होता है तो फार्मर्स अपने बैलों के लिए पूजा करते हैं, ये तो आपको स्टूडेंट्स पता है। और 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है और 26 जनवरी जो है तो ये हमारा रिपब्लिक डे होता है और हम सब लोग इसे अच्छे से मनाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, आपको पिक्चर में भी दिख रहा है जैसे कि गणेश फेस्टिवल है, क्रिसमस है, ईद है, दिवाली है, बैल पोला है, तो ये सारे पिक्चर्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स के आपको ये समझ में आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। गुड बाय।